गैस ये TVS स्पोर्ट गाड़ी है। इसकी माइलेज सेटिंग के बारे में आज हम जानेंगे कि इसका माइलेज कैसे सेट होता है। तो हम ये जानने के लिए कि इसका माइलेज कैसे कितना दे रही है इस वक्त, इसको जानने के लिए हम इसका प्लग खोलेंगे और इसको देखेंगे प्लग कैसा निकलता है। फिर आपको बताते हैं कि इसका माइलेज कितना होगा, ये कैसा दे रही होगी माइलेज। वेलकम माई यूट्यूब चैनल, मैं रुस्तम अली और आप देख रहे हैं आर्य कादरी ऑटोमोबाइल। चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात आप तक पहुंचे। सो गाइस, इसका प्लग खुल चुका है, स्पार्क प्लग आप देख रहे हैं, ये काला निकल रहा है। इसको साफ़ करके इसको लगाते हैं। अगर ये गाड़ी हमें माइलेज सही देगी तो ये जो पॉइंट ऊपर का देख रहे हैं, अभी ये भी सफ़ेद निकलेगा, अंदर वाला सफ़ेद है, पूरा सफ़ेद निकलेगा। अभी ये काला निकल रहा है, इसका मतलब ये गाड़ी माइलेज हमारी कम दे रही है। सुबह इसका प्लग हमने साफ कर लिया है, तो इसको फिट करते हैं, उसके बाद इसका माइलेज फिट करते हैं। स्पार्क प्लग कस दिया, तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें, ये होता है इसका RPM स्क्रू, इसको कसने से दिया RPM इसके बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये होता है इसका एयर मिक्सचर, इससे जो है हवा और पेट्रोल कितना परसेंट जाना चाहिए इस कम्बशन चैम्बर के अंदर, ये इससे सेट करते हैं। इसको पहले हम एवरेज सेट करने के लिए इसको कस देंगे फुल, पूरा बंद कर देंगे। अब ये भी बंद हो गया, गाड़ी बंद होने पर आ रही है, ये एयर बढ़ा दिया हमने यहाँ से। अब इसको खोलते हैं, गाड़ी बंद हो गई है, इसको स्टार्ट रखेंगे। देखिए इसके RPM बढ़ रहे हैं अपने आप, थोड़ा सा कम कर देंगे यहाँ से भी। अब इसको थोड़ा और ओपन करेंगे, RPM से बढ़ा रहे हैं, इसको फिर कम कर देंगे हम। इसकी आवाज़ ठीक हो गई है, RPM भी ठीक है। इसका माइलेज करने के सबसे जो पता चलता है कि एवरेज कैसे बढ़ रहा है, माइलेज कैसे हो रहा है, अगर हम इसको ओपन कर दें तो इसके RPM बढ़ जाएंगे, हमें RPM यहाँ से कम करना पड़ेगा। अगर ये RPM नहीं बढ़ते हैं तो माइलेज हमारा सेट नहीं हो पा रहा है, और RPM बढ़ रहे हैं तो हमारा माइलेज सेट हो रहा है।